श्रीलंका के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। खेल मंत्रालय ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार श्रीलंका क्रिकेट के लिए एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया है। श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। खेल मंत्री रोशन रणसिंघे के कार्यालय ने एक बयान में कहा, देश के 1996 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को नए अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीलंका 7 मैच में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल पे 7वें स्थान पर है। श्रीलंका को साउथ अफ्रीका ने 102 रन से, पाकिस्तान ने 6 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से, अफगानिस्तान ने 7 विकेट से और भारत ने 302 रन से हराया था। वहीं श्रीलंका ने नीदरलैंड को 5 विकेट से और इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया था। आपको बता दें, बोर्ड पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। इससे पहले भारत से मिली हार के बाद खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने शुक्रवार को अपने एक बयान में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को देशद्रोही और भ्रष्ट कहा था। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से इस्तीफा देने की मांग की थी। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट के सचिव मोहन डी सिल्वा ने शनिवार 4 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत से बुरी हार के बाद से ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में काफी तनातनी देखने को मिल रही थी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के फैसलों से श्रीलंका के क्रिकेट में सुधार आएगा या फिर जल्दबाजी के फैसलों से श्रीलंका का क्रिकेट और बेकार हो जाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।